in 2019 in the national capital. 2014 में आज 2019 में हम यहाँ खड़े होकर के बात कर रहे हैं। 2014 की 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के जब इस बात की घोषणा की थी कि देश जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाएगा तब तक हम देश को खुले में शौच के इस कलंक से मुक्त करना चाहते हैं, देश स्वच्छता के को एक आंदोलन के रूप में लेगा। देश और दुनिया में भारत के इस तरह के कार्यक्रमों की समीक्षा करने वाले लोग, चाहे मीडिया में बैठे हुए बंधु होंगे या दुनिया भर में भारत को एनालाइज करने वाले लोग होंगे, और न केवल भारत को एनालाइज करने वाले लोग अपितु सरकार के कार्यक्रमों की साधारण तौर पर बैठ करके आम जनमानस में चर्चा करने वाले लोग भी उस समय शायद सहज रूप से इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए होंगे कि देश इस मुकाम को, इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। आज यदि हम 2019 में इस विषय पर बात करें, आज 2019 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहें कि हम देश के लिए ये टारगेट तय कर रहे हैं कि हम देश को हर घर से पीने का पानी पहुंचाएंगे, या कोई भी इस ऐसा विषय, ऐसी घोषणा वो करें, तो सहज रूप से शायद सारे विश्व को इस बात की स्वीकार्यता हो सकती है। देश में बैठे हुए 130 करोड़ लोगों में से भी कुछ एक लोगों को छोड़ करके शायद सबको इस बात का निश्चित रूप से, और वो भी उनकी न सोच पाने का या न विश्वास करने पाने का, उनके पास आधारभूत कारण है, उससे शायद वो डेविएट नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को छोड़ करके बाकी सब लोग सहज रूप से इस बात पर विश्वास करते हैं कि अगर कहा है तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 2014 से 19 के बीच की जो सफलता की इस तरह की यात्राएं हैं, चाहे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, चाहे स्वच्छता हो, चाहे गैस हो, चाहे आवास पहुंचाने की बात हो या बिजली घर घर तक पहुंचाने की बात हो, अब एक कमोबेश ये स्थापित हो चुका है कि यदि कहा है तो शायद ये निश्चित रूप से ये इसकी परिणति होगी। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, आज हम 2019 में 5 साल बाद में खड़े होकर के दूसरी बार अपने कार्यक्रम की समीक्षा के लिए खड़े हुए हैं। किसी योजना को लॉन्च करना और उस योजना को 100% सफलता के स्तर तक ले जाना, और 100% की सफलता के स्तर तक ले जाने के बाद में स्वतः स्फूर्त अपने काम का, जो कुछ काम सरकार ने किया, उस सरकार के काम का जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो लाभ प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनका थर्ड पार्टी से एनालिसिस कराना, ये इस देश में परंपरा नहीं थी। एक नई परंपरा का सूत्रपात जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में भारत में इस 2014 के बाद में प्रारंभ हुआ है। और यह हम क्यों कर पाए? दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, एक जो परीक्षा से भागते हैं और दूसरे परीक्षा का इंतजार करते हैं। परीक्षा का इंतजार वो लोग करते हैं जिनको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस हो कि जो हमने किया है उसने समझ जो है वो जो कुछ हमने प्राप्त किया है वो हम पूरे समाज के सामने ले जा सकते हैं। और आज ये शक्ति, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार ने जिस तरह से काम किया है, आज ये शक्ति, ये ताकत, ये हौसला इस सरकार के पास में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली व्यवस्था के पास में है कि हम एक बार फिर अपनी समीक्षा के लिए, दूसरों को एग्जामिनेशन करने के लिए, थर्ड पार्टी एग्जामिनेशन की दूसरे स्तर की शुरुआत कर रहे हैं। पहले स्तर के जब हमने स्वच्छता का सर्वेक्षण किया देश भर, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का, क्योंकि राज्य सरकारों के एक्टिव सहयोग के बिना ये निश्चित रूप से किसी भी तरह से संभव नहीं हो सकता था। राज्य सरकारों ने जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक हेल्दी कंपटीशन इस योजना के माध्यम से स्वच्छता के को लेकर के देश भर में बना, और जिस तरह से साधारण मानवी ने इसमें अपनी सहभागिता को बनाते हुए एक सामान्य तरीके से काम करते करते धीरे धीरे गांव में जिस तरह से सोसाइटी में रिस्पॉन्सिव लीडरशिप खड़ी, जो लीडरशिप इस बात के लिए कि गांव में अनेक उदाहरण, आप मीडिया के मित्र यहां बैठे हैं, अनेक उदाहरण आप सब ने अपने पत्रिकाओं में, अपने अखबारों में, अपने टीवी चैनल्स में छापे हैं कि गांव के एक महिला, गांव की महिलाएं खड़े होकर के इस बात की, इस ताकत के साथ में कि मेरे गांव में ओपन डेफिकेशन फ्री होने के बाद में मेरे गांव में खुले में शौच जाने वालों को रोका जा सकता है, बच्चों ने जाकर के इस तरह से काम किया।
55 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला जो ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम की दूसरी बार आकलन। और ये आकलन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम अपने आप को के में जो है आत्मबुद्ध होना चाहते हैं कि हमने जो किया उसका परिणाम ये हुआ है, ये कतई, इट शुड बी द इंटेंट ऑफ दिस सर्वे शुड बी वेरी क्लियर। न हम इस बात के लिए कि ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं सिर्फ इस मार्किंग के लिए हम समाज के बीच में जाना चाहते हैं, ये मार्किंग एक बहाना है, एक प्रोत्साहित करने का एक मार्ग है, लेकिन इसका उद्देश्य यह है कि हम इस स्वच्छता के जो 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 काम हमने किया है उसको हम सेकंड लेवल पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि बिहेवियरल चेंज की थ्योरी जो है उसका पहला आयाम है कंटिन्यूटी। बार बार आपको इंटरवल्स के बाद में जब ट्रेनिंग होती है, फौज की ट्रेनिंग होती है, हर साल ट्रेनिंग के बाद में फिर कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग होती है, फिर हर 2 साल बाद के बाद ट्रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि आपको व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन को एस्टैब्लिश करने और उसको परमानेंट करने के लिए आपको बार बार उसको ये बात को संज्ञान में लाने, उसको याद दिलाने की आवश्यकता है। अभी जो वीडियो यहाँ लॉन्च किया गया वो वीडियो अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता था कि हम घर हमने साफ कर लिया है लेकिन गाँव भी हमारा घर है। अब इस चेतना को हमको सेकंड लेवल तक ले जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह से हम ODF प्लस की तरफ जा रहे हैं, जो ODF प्लस की संकल्पना है उसका बीजारोपण इस स्वच्छता के ऐप के जो जो हम सर्वेक्षण कर रहे हैं इसके माध्यम से हो। पिछले साल के आंकड़ों की चर्चा अभी आदरणीय सेक्रेटरी साहब ने भी अपने प्रस्तावना में कही और माननीय मंत्री जी ने भी अपने प्रस्ताव अपने भाषण में उस बात का उल्लेख किया कि 1.5 करोड़ लोगों ने ऐप के साथ में जुड़ना ऐसा पिछली बार सुनिश्चित किया। उन्होंने अपनी मत की अभिव्यक्ति, अपने विचार की अभिव्यक्ति उस ऐप के माध्यम से की। देखिए, टेक्नोलॉजी आज इतनी बड़ी ताकत बन गई है कि उसके माध्यम से हम सहजता के साथ में जुड़ सकते हैं। आज एक थर्ड पार्टी सर्वे के लिए हम टीम भेजेंगे ह्यूमन इंटरवेंशन में, शायद कहीं कुछ जो आइडिया, जो ट्रांसफर ऑफ आइडिया है, जो उसका मत, जो उसका विचार है, उसमें शायद कहीं जो है ट्वीक हो सकता है। मैं करने के लिए जाऊं और गांव में 4 महिलाओं से मिलूं, मुझे उस दिन अगर मेरा मन ठीक नहीं हो और मैं अगर उनने जो कहा है उसके बजाय जैसा मेरी मानसिकता है उसके आधार पर उसको शायद नहीं, तो सामान्य बात है। लेकिन यदि टेक्नोलॉजी के आधार पर सर्वेक्षण होगा तो निश्चित रूप से वो सटीक सर्वेक्षण होगा। और जब इतनी बड़ी, जहाँ 7.5 करोड़ लोगों ने जो है तय किया है, मैंने अभी अधिकारियों से जब बात कर रहा था, मैंने सचिव महोदय से भी कहा है कि इस संख्या को बढ़ा करके हमको 3 करोड़ तक ले जाना चाहिए। और हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस बात को जांचने की आवश्यकता है कि ये 1.5 करोड़ लोग जो पिछली बार हमसे जुड़े थे, वो 1.5 करोड़ लोग में कौन सा ऐसा एरिया है देश के 600 से ज़्यादा 700 के लगभग जिलों में, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो लगभग 6 लाख गाँव में, जहां अभी ग्रे एरिया है, जहां अभी हमारे, जहां से लोग हमको इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मताभिव्यक्ति नहीं कर रहे, हम उनको ढूंढ करके उस एरिया को फोकस करें और हम स्वच्छता के इस कार्यक्रम को दूसरे लेवल पर किस तरह से ले जा सकते हैं, सेकंड स्टेज पर किस तरह से ले जा सकते हैं कि गांव हमने ओपन डिफिकेशन से फ्री किए लेकिन गांव कचरे से मुक्त हो। गांव जो है मैं, क्योंकि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम इसको त्रिस्तरीय व्यवस्था की तरफ ले जाना चाहते हैं कि अब गांव प्लास्टिक के कचरे से मुक्त किस तरह से हो, सॉलिड वेस्ट से किस तरह से मुक्त हो और लिक्विड वेस्ट से किस तरह से मुक्त हो। ये जो काम पिछले 5 साल में हुआ है, शौचालय निर्माण का काम, ये प्रारंभ और अंत नहीं था, ये कहे काम एक जो है बहुत सारे श्रृंखला में जो कुछ काम होने वाले हैं उनकी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम था, पहला कदम था, पहला कदम सफलता के साथ में रखा है। और आप सब, हम सब जानते हैं कि दुनिया में किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है वो पहला कदम होता है। पहला कदम हमने सफलता के साथ में और जो है रखने में कामयाबी प्राप्त की है, आप सबके सहयोग से कामयाबी प्राप्त की है। अब मीडिया के मित्रों ने भी कमोबेश इसमें बहुत बड़ी भूमिका आप सब ने भी निभाई है, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। इसको सेकंड लेवल पर ले जाने के लिए हमारा, हम चाहे कहीं भी काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम सबका दायित्व है कि हम इसके साथ में जुड़े, इस स्वच्छता के आंदोलन को और आगे ले जाएं और आने वाले समय में ये सॉलिड वेस्ट का जो अभिशाप हमारे देश के ऊपर खड़ा है इसको भी हम समाप्त करें, ताकि हम जैसा स्वच्छता के पहले पायदान के बाद में जिस तरह से पूरी दुनिया ने हमारे इस कार्यक्रम की सराहना की, दुनिया भर के प्रोग्राम जो जो एनालिस्ट ने जिस तरह से इसकी समीक्षा करते हुए इसका जो लाभ हुआ है उसके बारे में चर्चा की, 500% रेट ऑफ रिटर्न इसका कैलकुलेट किया गया है। और जिस तरह से हम इस पे या इस काम पे आगे बढ़े, इसको यदि हम सेकंड लेवल पर ले जा सकते हैं तो परोक्ष रूप में
जो हेल्थ बेनिफिट्स हमको होने वाले हैं, जिस तरह से हमारी जीडीपी को ये जो है ये कार्यक्रम लाभ पहुंचाने वाला है, और इसके साथ साथ में हम सबको एक एक स्वच्छ जो वातावरण में जीने का अवसर प्रदान करने वाला है। इस लॉन्च के अवसर पर मैं आप सब राज्य के प्रतिनिधि जो आए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये केवल इस कार्यक्रम की जिस तरह की रचना यहाँ की गई है उस तक ही नहीं, इसको किस तरह से हम और ज्यादा आगे नीचे अधिक से अधिक लोगों तक ले जा सकते हैं, और इट शुड बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अवेयरनेस, इसको वापस हम किस तरह से समाज में, जो एक आंदोलन स्वच्छता का हमने शौचालय निर्माण के समय में खड़ा किया था, उस आंदोलन को एक बार फिर और गति किस तरह से प्रदान की जा सकती है, इस चेतना का एक्सटेंशन और किस तरह से किया जा सकता है, इस मिशन मोड में एक बार फिर इस सर्वेक्षण को हम लें। ये सर्वेक्षण केवल सर्वेक्षण नहीं बन करके इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द सैनिटेशन ऑन सेकेंडरी लेवल। थैंक यू वेरी मच।